बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। 2-3 दिन से का वीडियो नहीं बना रहा, ये थोड़ा सा चेहरा स्वेल हुआ हुआ था, अब थोड़ा सा ठीक हुआ। ये आपको एक आँख कोई बड़ी नज़र आ रही होगी, छोटी, पता नहीं क्या हुआ है, ठंडा गर्म कुछ हो गया, बारिश थी तो उसकी वजह से जो है चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। अब थोड़ा सा कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के इस दौरान बेशुमार मैसेजेस आए हैं और कमेंट्स आए थे, प्रॉपर तरीके से उनका भी आंसर वगैरह नहीं मैं कर सका। तो ये एक कमेंट आया था कि सर प्लीज़ बता दें, आपसे पहले भी पूछा था लेकिन आपने कोई आंसर नहीं दिया, हमारी लीगलाइजेशन हो चुकी है, पासपोर्ट जमा है जेरी में, आफ्टर पासपोर्ट सबमिशन 9 मंथ होने वाले हैं, अभी तक वीज़ा नहीं लगा, और प्लीज़ बता दें कितना टाइम लग रहा है वीज़ा जिन्होंने 2022 में जमा करवाया पासपोर्ट, इतना टाइम तो लगा भी है किसी को कि नहीं। देखें ये रेयर केसेस में ऐसा होता है, 2021 में भी एक दफ़ा इस तरह का केस हो गया था, उनको तो तकरीबन 23 ऑलमोस्ट मंथ लग गए थे, उसके बाद जाकर जो है उनको रिस्पॉन्स आया था। अभी तो आपके जस्ट जस्ट आई थिंक 9 मंथ हुए हैं, तो ये रेयर केसेस होते हैं, बट उसका जो है एट द एंड उन्होंने ऑब्जेक्शन आ गया था, जिनके बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चीज़ें चली जाएँ तो अल्लाह ना करे कि आपका भी कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो, तो उनके ऑब्जेक्शंस वगैरह जो है वो आते हैं। तो इस मैटर को इस वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। तो लाइक नॉर्मली जब आप वीज़ा एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट लेकर फाइल्स वगैरह जमा करवाते हैं, तो नॉर्मली जो आंसर होता है एवरेज 15-20 दिन के अंदर आ जाता है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम चलता है 2 से 2.5 महीने लगते हैं, लेकिन मोर देन 2 या 3 मंथ हो जाए या 6 मंथ हो जाए तो उस टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है जो 10 मंथ से ज़्यादा जिनके केसेस हो जाए तो कोई ना कोई उसके अंदर उनकी फाइल के अंदर कोई ना कोई माइनर सी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, या ऑब्जेक्शन होता है, या इंक्वायरी में उनकी वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो वो काफ़ी अर्सा लगा देने के बाद जो है वो एक लेटर सा भेज देते हैं। तो अल्लाह ना करे कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपका अच्छा ही रिस्पॉन्स आए। नॉर्मली जिन लोगों के वीज़े वगैरह भी लगते हैं तो वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 3 माह मैक्सिमम आप लगा ले, 3 माह 2.5 माह मैक्सिमम, इतना सा टाइम लग जाता है। और जल्द अज जल्द की अगर आप बात करते हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर थे वो कराची के थे, तो उनका विद इन अ वीक जो है वो वीज़ा लग गया था। तो जो इटली मैसी है वो अनप्रडिक्टेबल है, इसकी टाइमिंग का कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, चाहे वो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो फाइल को रिटर्न करने की बात हो, तो ये चीज़ें जो इटली मैसी है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर, आप कह सकते सेफ साइड रखते हुए, किसी को भी वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। तो अब हो क्या सकता है, अब मैं आपको एक सजेशन ये दे सकता हूँ कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवाया था तो उस टाइम आपको रसीदें वगैरह मिली होंगी, वो जितनी भी रसीदें हैं वो अटैच करें, अटैच करने के बाद आप कंसुलारो विजिटी और जितने भी इनके ईमेल आईडीज हैं वहाँ पर ईमेल्स करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं से आपको रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ आ जाएगा, या फिर आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं, अगर आपको कोई एजेंट मिलता है, कोई कंसल्टेंट मिलता है, या ऑनलाइन सोर्सेज से कोई बंदा कह देता है कि यार मैं आपका केस अगर फंसा हुआ है तो उसको मैं निकलवा देता हूँ, तो ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला, ठीक हो गया। आपको खुद ही से एफर्ट करनी पड़ेगी, खुद ही से ईमेल्स वगैरह करनी पड़ेगी, तो फिर उसकी बेस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ सकता है। हाँ, अगर जो प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, अगर आप कोई और कंसल्टेंट या अगर आप हमारे थ्रू भी करवाते हैं तो हम अपने सर्विस चार्जेस लेकर इस पर प्रोसेसिंग कर देंगे, लेकिन पहले मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप खुद भी करते हैं तो मेन वाइल वही काम सेम हमने भी करना है, ईमेल्स करें तो होपफुली कि आपको वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।